आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी कलरफुल एंड ब्राइट होली। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का वीडियो, जहां पर मैं अपनी फेस पर पूरा होली का जो रंग है वो मैं अप्लाई करूंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अप्लाई करूंगी एंड फिर मैं सिर्फ एक फेस वॉश को इस्तेमाल करके उन कलर्स को रिमूव करूंगी। अभी मेरे फेस पर हल्का सा मेकअप है, उसके ऊपर मैं कलर लगाऊंगी एंड देन मैं उसे रिमूव करूंगी एक इंडियन फेस वॉश से। तो क्या वो फेस वॉश उस पूरे मेकअप प्लस कलर को रिमूव कर पाएगा और फेस को क्लीन बना पाएगा, यही देखने की बात है। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी आजू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है देन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। As you all can see कि मैं अपने फेस पर ये जो तीन कलर्स है ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अच्छी तरीके से एंड देन मैं इस फेस वॉश को इस्तेमाल कर रही हूँ, विच इज गार्नियर विटामिन सी फेस वॉश। ये क्रीमी फेस वॉश है, अगर इससे रिमूव हो जाता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे एक दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। सो लेट्स सी इससे पूरा रिमूव होता है कि नहीं। अच्छे से मैं इसे अपने फेस पर, यू ऑल कैन सी, मैं मसाज कर रही हूँ एंड देन मैं इसे पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश कर दूंगी। अपने अंडर आई रीजन को छोड़कर मैं इसे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें कलर्स है ना, तो अंडर आई एरिया पर मैं नहीं मसाज कर रही हूँ, क्यों आईज पर अगर चला जाता है कलर तो इरिटेशन भी हो सकती है। एंड फिर मैंने वॉश किया अपने फेस को, जस्ट नॉर्मल पानी से ही मैंने फेस वॉश को रिमूव किया है एंड एक बार ही मैंने फेस वॉश को अप्लाई किया है अपने फेस पर और उसके बाद का ही रिजल्ट मैं शेयर कर रही हूँ। एंड आप लोग देख सकते हैं फेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, सिर्फ मेरे जो हेयर लाइन का जो एरिया है वहाँ पर कलर है, वो शायद मुझे दूसरी बार फेस वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज फेस काफ़ी क्लियर है एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये कलर को भी रिमूव कर पाएगा, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ अ वेरी गुड फेस वॉश। क्योंकि अगर ये इतनी अच्छी तरीके से कलर को रिमूव करता है देन मेरे साइड से तो इस फेस वॉश को एकदम ग्रीन सिग्नल है। एंड ट्रस्ट मी, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं कोई चीटिंग वगैरह करूंगी, सो दिस इज नॉट एट ऑल अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। डेफिनेटली ये फेस वॉश तो आपके फेस से जो होली का रंग है उसे रिमूव करता ही है, बट वन थिंग कि मेरे फेस पर जो मैंने होली का रंग इस्तेमाल किया था ना, वो वाटर बेस्ड नहीं था, वो नॉर्मल जो होली का कलर होता है ना वो था, जो हर्बल कलर होता है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा रंग मेरे फेस पर नहीं है। अभी काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका है मेरा फेस और लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगी आप सबको कि आप जब भी होली खेलते हैं या फिर रंग अपने फेस पर लगाते हैं तो उससे पहले अपने फेस को अच्छे से यू नो प्राइम कर लीजिए कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी ऑयल के साथ, ऑयल वुड बी बेस्ट। और अगर आप मेकअप इस्तेमाल करते हैं देन वेरी गुड, मेकअप के ऊपर अगर आप होली का रंग लगाते हैं तो आपकी स्किन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वो नहीं आएगा। एंड वाइल रिमूविंग ऑल्सो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप एक कोकोनट ऑयल को कॉटन बॉल में डिप करके फिर उस कॉटन बॉल को अपने फेस पर वाइप कर लीजिए एंड देन फेस वॉश को इस्तेमाल कीजिए। ये तो मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली कलर्ड फेस पर मैंने ये जो फेस वॉश है इसे इस्तेमाल कर लिया। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए और आप इसी तरीके का वीडियोज देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बताइए कि नेक्स्ट आप कौन सा फेस वॉश के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी होली। बाय।